बच्चों आज हम पढ़ेंगे संधि। दो शब्दों के मेल पर दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ ही जोड़ना, जॉइंट को ही संधि कहते हैं। तो उसकी संधि की परिभाषा एक बार और देख लें। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जब दो शब्द मिलते हैं तो उसका अंतिम जो वर्ण होता है और दूसरे शब्द जिससे वो मिल रहा है उसके पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। महा प्लस ईश बराबर महेश। संधि, अब यहां पर संधि की परिभाषा दी गई है। वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार ब्रैकेट में है परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। ये क्या है? दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो स्वर यहां पर है, स्वर संधि किससे बनती है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। आए इसके उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र। तो अब यहां पर नर, रौ में साउंड किसकी आ रही? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पढ़ा नहीं, बोला नहीं जा सकता और वो अधूरा होता है। तो रौ में किसकी साउंड आई? ओ। ओ प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए। तो ओ स्वर है, ई भी स्वर है और बना भी क्या? एक नया स्वर ए। तो बना शब्द हमारा नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। विद्या प्लस आलय, विद्या या में आ, आ प्लस आ आलय का आ। तो शब्द बना हमारा विद्यालय। अब इस स्वर संधि के पांच उपभेद हैं। स्वर संधि के भी भेद हैं। कौन कौन से? पहले तो संधि के भेद पढ़े हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, किंतु स्वर संधि के भी भेद हैं। तो इसके कितने भेद हैं? पांच उपभेद हैं। इसमें पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर यण और अंत में अयाधि संधि। तो पहला देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आपने स्वरों में पढ़ा था, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर अ छोटी छोटा उ के बाद, या दीर्घ स्वर अ ई उ आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बड़ा आ, आ ई और बड़ा उ बन जाते हैं। क्या है? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, आ बड़ा ई बड़ा उ बन जाते हैं। जैसे अ प्लस अ आ बना, आ प्लस आ क्या बना? अ बना, आ प्लस आ आ बना। तो कृष्ण प्लस अवतार, कृष्णावतार
यथा प्लस अर्थ यथार्थ, महा प्लस आत्मा महात्मा। अब आए हम गुण संधि। पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, फिर आए गुण। अ या आ के बाद यदि ई बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए उ बड़ा उ और ओ या री अर आए आए तो अर हो जाता है। जैसे ओ प्लस ई बराबर ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, आ प्लस ई ए गण प्लस ईश गणेश। अब यहां आ और ई मिल रहे हैं, ए बन रहा है महा आ इंद्र महेंद्र। तो ये थी गुण। अब आए हम वृद्ध संधि। इसमें ओ आ के बाद ए आई आए तो दोनों मिलकर आई और ओ औ आए तो औ बन जाते हैं। यहां पर उदाहरण है एक प्लस एक एक एक, तो यहां क्या मिला एक अ प्लस ए एक एक, आ प्लस अब तथा प्लस ए तथा का आ और ए मिला तथैव, और मत अ मिला और ए मिला एक के मत प्लस एक के मत एक के। फिर यण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या य और ऊ का व हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, जैसे ई का क्या हो गया य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है, तथा आगे वाला स्वर उसके साथ मात्रा में जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण है यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि का ई मिला और अपि का ओ, तो ऐसे ही इति प्लस आदि इत्यादि। उपर्युक्त उपरि प्लस उक्त यानी उपर्युक्त। फिर है अयादि संधि। ह्रस्व या दीर्घ ए या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आए और ओ का औ औ का आओ हो जाता है, तथा आगे आने वाला स्वर के साथ उनकी मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर ए या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आए ओ का औ औ का आओ हो जाता है, तथा आगे वाला स्वर उनके साथ मात्रा रूप में जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं। नयन का है ने प्लस अन नयन, नायक नाय प्लस अक नायक, पवन पो प्लस अन पवन। यहां पर क्या हुआ ए ओ आय बन गया नयन में, ए ओ आय बन गया नायक में, ओ ओ मिला तो पवन बन गया पवन में। अब व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, इसमें क्या है कि अब हम दूसरी संधि में आ गए व्यंजन संधि में। तो इसमें ये तो थे स्वर संधि के, अब आए हम व्यंजन संधि में। किसी स्वर के बाद या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिगंबर, दिक प्लस अंबर,
तल्लीन तत् प्लस लीन, सज्जन सत प्लस जन, जगदीश जगत प्लस ईज, उन्नति उत प्लस नति, संकल्प सम प्लस कल्प। उसके बाद हम आए विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग किसे कहते हैं? जो दो बिंदु जो लगे रहते हैं उसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए, आने पर जो परिवर्तन होता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यश प्लस दा, यशोदा। अब मनोनीत को कैसे तोड़े? मनह प्लस नीत, विसर्ग लगा दिया। निह प्लस आशा, निराशा। तेजह प्लस मय, तेजोमय। मनह प्लस हर, मनोहर। अशिह प्लस वाद, आशीर्वाद। ये क्या थी? विसर्ग संधि। हमने पढ़ी संधि, उसके उसमें हमने क्या क्या जाना ये हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। दूसरा है संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इससे आगे हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, उन्हें आपको उत्तर पुस्तिका में करना होगा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं? वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो संधि से बने शब्दों को फिर से अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि से बने शब्दों को फिर से अलग करने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में संधि करें, यहाँ पर जोड़कर लिखना है। तथा प्लस अपि, तथापि। मुनि प्लस ईश, मुनीश, बड़ा ई हो जाएगा। सम प्लस मुख, सम्मुख। निह प्लस सार, निस्सार। पुरह प्लस कार, पुरस्कार। सत प्लस भाव, सद्भाव। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। परम प्लस अणु, परमाणु। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके संधि विच्छेद करने हैं। हिमालय, पहला शब्द है हिमालय, हिम प्लस आलय। दूसरा है रवींद्र, रवि प्लस इंद्र। रवि छोटी की मात्रा। फिर सार्थक, इसका है सा प्लस अर्थक। फिर तपोवन, तपह प्लस वन। फिर है अत एव, अतः प्लस एव। विसर्ग संधि हो जाएगी। रोगाणु, रोग प्लस अणु। स्वागत, सु प्लस आगत। नमस्ते, नमः, नमः, नौ मो के पीछे विसर्ग आ जाएंगे प्लस ते। फिर जगतनाथ, तो जगत प्लस नाथ। गणेश, गण प्लस ईश, गणेश। अब निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए उसके भेद भी लिखने हैं, उनका संधि के भेद यानी उनके नाम लिखने हैं कि कौन सी संधि है। पहले में इसने उसका उत्तर दिया है, सत प्लस आचार, सदाचार को तोड़ा है तो व्यंजन संधि है। फिर तथैव, तथैव को तोड़ना है तथा प्लस एव, ये क्या है? वृद्धि संधि। तथा प्लस एव वृद्धि संधि।
फिर है मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, तो ये भी वृद्धि संधि है। फिर मनोबल, मनः प्लस बल, ये विसर्ग, मन के पीछे विसर्ग आ जाएंगे तो विसर्ग संधि है, मनः प्लस बल। फिर निर्धन है निह प्लस धन, निह नौ के नी के पीछे विसर्ग आ गए, ये भी विसर्ग संधि है। फिर सुरेश, सुर प्लस ईश, ये क्या हो गया गुण संधि सुरेश। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। पहला प्रश्न है दो स्वरों के मेल से बने हुए विकार को क्या कहते हैं, दो स्वरों के मेल के से बने हुए विकार को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन है मिलाप, संयोग, योजक, स्वर संधि। तो उत्तर बुक में खुद दिया है स्वर संधि। अब दूसरा है संधि में यदि अ के बाद री आए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है। इसने ऑप्शन दिए हैं तो इसमें अर सेकंड वाला, ओ के नीचे जो हलंत है वो सेकंड क्या है सही है अर। तो दूसरा शब्द सही है। तीसरा है एक प्लस एक मिलकर क्या बनते हैं एक एक, दूसरा ही दूसरा शब्द यहां पर भी सही है एक एक, ये पूरा हुआ। तो ये आप सबको उत्तर पुस्तिका में बहुत सुंदर राइटिंग में साफ लिखना है और एक क्वेश्चन एक आंसर करने के बाद एक लाइन पूरी छोड़ें ताकि काम साफ सुंदर हो।